हाय फ्रेंड्स, इट्स मी डेलहाइट पारुल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कुतुब मीनार से रिलेटेड फैक्ट्स। तो पहला जो फैक्ट है, ये जो कुतुब मीनार की आप इमारत देख रहे हैं, वेल इस इमारत में कोई सरिया नहीं लगा हुआ है। ये पूरी की पूरी इमारत ईंटों से बनी हुई है। सो ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर आप सोचें तो, क्योंकि आजकल की जो इमारतें हैं वो सारी की सारी लोहे से कहीं ना कहीं टिकी हुई है, लोहे के बेस पर बनी हुई हैं। और ये वाली बहुत ही ज़्यादा पुरानी इमारत है और ईंटों की बनी हुई इमारत है, इसमें कोई सरिया नहीं लगा हुआ। तो दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। वेल इस इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 11वीं शताब्दी में स्टार्ट करवाया था और इस वाली इमारत को पूरा जो करवाया था उनके दामाद ने करवाया था, उनका नाम इल्तुमिश था। चलिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट की बात करती हूँ। वेल कुतुब मीनार किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको सही कराया था तुगलक ने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ। वेल कुतुब मीनार का ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, वेल इसी में एक मस्जिद भी है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। ये जो आप कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसमें एक लोहे का स्तंभ है और उस स्तंभ की खास बात ये है कि जब से वो स्तंभ लगा हुआ है तब से अब तक उस स्तंभ में कोई जंग नहीं लगा, वो लोहे का स्तंभ है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया एक लोहे के स्तंभ के बारे में जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। चलिए मैं बताती हूँ एक खंबा कितना पुराना है। वेल ये 2000 साल पुराना खंबा है जिसपे अभी तक कोई जंग नहीं लगा है। जो कुतुब मीनार की मीनार है, इसके अंदर जो सीढ़ियां हैं वो 379 सीढ़ियां हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इस मीनार की ऊंचाई इतनी ऊंची होने की वजह से ये बिल्कुल सीधी मीनार नहीं है, ये एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। सो फ्रेंड्स, यूनेस्को ने 1983 में कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। चलिए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? वेल इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर है। चलिए बात करते हैं कुतुब मीनार के स्ट्रक्चर के बारे में। वेल ये जो आप मीनार देख रहे हैं, इसका जो नीचे का जो मतलब लाइक ये जो गोल बना हुआ है, पूरा व्यास इसको जो बोलते हैं, ये 14 मीटर है और ऊपर जाते जाते ये 3 मीटर रह जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डेलहाइट पारुल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ट्विटर पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा होगा, आप उसको प्रेस करना मत भूलेगा, उससे मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।